और आजादी मार्च के सियासी हल की तलाश, हुकूमत का कमेटी बनाने का फैसला, परवेज खटक की सरबराही में कमेटी सीनियर सियासतदानों पर मुश्तमिल होगी, सादिक संजरानी, असद कैसर, परवेज इलाही, असद उमर के शामिल होने का इम्कान है, अराकीन के नामों की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। पीटीआई ने आजादी मार्च का सियासी सतह पर मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी की तंजीम नौ का ग्रीन सिग्नल दे दिया। तंजीम नौ का मकसद तहरीक इंसाफ को सियासी सतह पर मुतहरिक करना है। मुल्क में बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई की तंजीम नौ की जाएगी। तंजीम नौ का एक मकसद हिजबे इख्तलाफ के बयानिये का मुकाबला करना है। फैसले की एक वजह मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च भी है। पार्टी के तमाम ओहदेदारान को सियासी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गयी, जबकि परवेज खटक की सरबराही में कमेटी सीनियर सियासतदानों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सादिक संजरानी, असद कैसर, परवेज इलाही, असद उमर के शामिल होने का इम्कान है। अरकान के नामों की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे, जबकि कमेटी तमाम ऑपोजिशन जमातों से बातचीत करेगी।